नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। मेरठ में दिन दहाड़े हो रहे हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। एआईएमआईएम के पार्षद की हत्या की गुत्थी पुलिस अभी सुलझा ही रही थी कि तब तक आज एक और हत्या को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बता दें, मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे की घर में घुसकर गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के बाफर गाँव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजवीरी चौधरी के बेटे विकेंद्र की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग दौड़े तो बदमाश खुद को घिरता देख मौके पर बाइक छोड़कर भाग निकले। परिवार का कहना है कि सुबह विकेंद्र उर्फ गौरी चौधरी अपने घर में मौजूद था। करीब 10 बजे बाइक सवार दो युवक पहुंचे, विकेंद्र के साथ चारपाई पर बैठकर चाय पी। उसके बाद दोनों बदमाशों ने पिस्टल निकालकर विकेंद्र पर गोलियां बरसा दी। सीने में उसे 4 गोलियां लगी। एसएसपी प्रभाकर चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। विकेंद्र 3 साल पहले हुए गांव में एक हत्याकांड में आरोपी था। वो जेल में रहने के बाद 1.5 साल से जमानत पर था। पुलिस को जांच में कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं। थाना क्षेत्र जानी के ग्राम बाफर में विकेंद्र उर्फ गौरी उम्र लगभग 38 वर्ष नामक व्यक्ति की हत्या की गई है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया जा चुका है। मृतक का वृहद आपराधिक इतिहास है। कुल लगभग 11 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जो लेटेस्ट है वो 2018 का 756/18 है, जिसमें मृतक के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया गया था। नामजद अभियुक्त था मृतक, इसमें जेल भी गया था और अभी यह माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।